नाज़रीन, आज की वीडियो में सरसों के तेल के फ़ायदे पर बात करेंगे। सरसों के तेल में मुतअद्दिद बीमारियों से शफा याब करने की इतनी कुदरती तासीर है कि इसकी हकीकी तारीफ के लिए अल्फाज मिलना मुश्किल है। जो मरीज मुख्तलिफ बीमारियों से तंग आ चुके हों, वो इसके सिर्फ लगाने से इंशाअल्लाह शफा याब हो जाएंगे। इसके लगाने का तरीका बहुत आसान है। रोजाना रात को सोते वक्त सरसों का खालिस तेल उंगली कपूर तर करके अपनी नाफ या धुनी में लगाएं और ये अमल मुसलसल जारी रखें। नाफ इंसानी जिस्म का एक मरकजी हिस्सा है और पैदाइश से पहले शक्मे मादर में इसके जरिए खुराक और तवानाई माँ से बच्चे के जिस्म में मुंतकिल होती है और पैदाइश के बाद भी नाफ का जिस्म के अंदरूनी निजाम से रब्ता रहता है कि अंदरूनी तरफ 70,000 रगें जुड़ी रहती हैं। नाफ के काम को मुतहरक रखने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल जरूर किया जाए। नाफ में तेल लगाने से जिस्म के खुश्क अज़ा जैसे कि आंखें, दिमाग, कान, पांव, गुर्दे, जिगर, दाढ़ें वगैरह में चिकनाई पहुंच जाती है। नाफ में सरसों का तेल लगाने के मजीद फायदे पे बात करते हैं। हाथों और पांव की खुश्की और एड़ियों का फटना खत्म हो जाता है। ज़हनी दबाव और नफसियाती बीमारियां दूर हो जाती हैं। आंखों की खुश्की और खारिश हट जाती है। नजर तेज होती है। खुश्क जल्द तर हो जाती है और खारिश को फायदा होता है। पेट को नफा, हवा से फूलना दूर हो जाता है। पेट के इमराज शफा याब होते हैं। बवासीर और कब्ज का खात्मा होता है। बवासीरी मस्से पे असर हो जाते हैं। कमर का दर्द रफा हो जाता है। नाखूनों से फफूंदी फिंग्स के इमराज दूर होते हैं। होंठ नहीं फटते। चेहरे पर चमक आयां होती है। गाल तरो ताज़ा रहते हैं। बालों में निखार आ जाता है। री के इखराज से तबीयत शाश बशाश रहती है और अच्छी भूख लगती है। नाक की बड़ी हुई हड्डी में कमी आ जाती है और नाक की पुरानी बंदिश खत्म हो जाती है। नाक की जलन को इफाका होता है। आंखों से पानी बहना और छींकों की कसरत। नाज़रीन, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। खत्म हो जाती है। गले में रेशा गिरना बंद हो जाता है। गुमान गालिब है कि नाफ में तेल लगाने के मुसलसल अमल से खून की सख्त और तंग शरियानों और वरीदों के मर्ज में भी इफाका होगा क्योंकि ये अमल बवासीरी मसों को दुरुस्त करता है जिसका सबब खून की शरियानों की सख्ती भी होता है। अलगरज सरसों के तेल को रोजाना रात को नाफ में लगाते रहने के मुसलसल अमल के सेहत पर बहुत ही मुफीद असरात रूनमा होते हैं और ये मरीजों बल्कि गरीब और नादार मरीजों के लिए कुदरत का एक सस्ता तरीन और मुफीद तरीन तोहफा है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो सरसों के तेल को नाफ में लगाने के फायदे के बारे में। उम्मीद है कि दूसरी वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए मौजू के साथ। जब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना और गिर्दोनवा के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। आपकी मोहब्बत और तावन का शुक्रिया।